अक्टूबर 2010, श्री फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली। पूरे स्टेडियम में नर्वसनेस और सस्पेंस का माहौल छाया हुआ था, जब एक 20 साल की लड़की पर पूरा इंडिया नजरें टिका के बैठा था। गेम का आखिरी शॉट लेने का टाइम था और ऑपोजिट साइड पर मलेशिया की वोंग म्यू चू पूरे जोश में खड़ी थी, और फिर उस 20 साल की लड़की ने लगाया अपना मैजिक शॉट और इंडिया को जिताया कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल, और बनी ऐसा करने वाली पहली इंडियन वुमेन। उस लड़की का नाम था साइना नेहवाल। जी हाँ, वही साइना नेहवाल जो एक समय पर पहली इंडियन थी जो दुनिया की नंबर वन बैडमिंटन प्लेयर के टाइटल से जानी जाती थी। मगर छोटी सी साइना से बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल बनने की जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी। साइना का जन्म हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में 17 मार्च 1990 को हुआ था। बचपन से ही साइना खेल कूद के बीच रही थी। साइना की बड़ी बहन एक वॉलीबॉल प्लेयर थी। उनके पिता एग्रीकल्चरल साइंस में पीएचडी होने के बावजूद एक बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर थे, और साइना की मां स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी थीं। पर आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि बचपन में साइना का बैडमिंटन की तरफ झुकाव इतना नहीं था। वो बस 8 साल की थीं जब साइना के पिता का ट्रांसफर हैदराबाद हो गया। छोटी सी साइना के लिए वो शहर बिल्कुल नया था और वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी नहीं जानती थी। इसी वजह से उसे वहाँ के लोगों के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी जिंदगी बस घर से स्कूल और स्कूल से घर हो चुकी थी, और इसलिए साइना ने कुछ नया ट्राई किया। 1 साल तक कराटे की ट्रेनिंग लेने के बाद और ब्राउन बेल्ट बनने के बाद अपनी माँ के कहने पर साइना ने प्रोफेशनल बैडमिंटन ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, और जल्द ही साइना को आसपास के सभी लोग जानने लगे। जो सिर्फ एक शौकिया तौर पर शुरू हुआ था, वो अब धीरे धीरे साइना की जिंदगी बनने लगा था। वो रोज सुबह ऑटो में 25 किलोमीटर ट्रैवल करके स्टेडियम जाया करती, वहां पूरा दिन मेहनत किया करती, और फिर रात में घर आकर पढ़ाई पर ध्यान देती। देखते ही देखते साइना बैडमिंटन में इतनी अच्छी हो गई कि कोई उसके सामने 2 मिनट से ज्यादा टिक ही नहीं पाता था। पर 17 साल की उम्र में साइना वर्ल्ड चैंपियनशिप में चाइना की एक प्लेयर से हार गई थी, मगर साइना उससे पहले ही अपने देश में अपनी गेम की वजह से काफी मशहूर हो चुकी थी। इस हार को अपना मोटिवेशन बनाकर साइना ने अपनी मेहनत और ट्रेनिंग और ज्यादा स्ट्रांग कर दी। इसका नतीजा था कि वो पहली इंडियन वुमेन और एशिया की यंगेस्ट प्लेयर बनी जिसने एक 4-स्टार टूर्नामेंट द फिलीपींस ओपन जीता। इसके बाद साइना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 4 सुपर सीरीज प्रीमियर, 7 सुपर सीरीज, 8 ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड, 1 ग्रैंड प्रिक्स, और इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में भी कई मेडल्स जीते। उन्हें अक्सर याद आता था कि जब बचपन में वो अपनी माँ के साथ बैठी होती थी और उनकी माँ उनसे ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने की बात करती थी, उस वक्त वो बातें बहुत अनबिलीवेबल लगती थीं और अक्सर हंसी में उड़ जाती थीं। लेकिन साइना ये नहीं जानती थी कि वो एक दिन सच में ओलंपिक्स में जीतकर पहली इंडियन लड़की बनेगी जो देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाएगी। इस बेमिसाल जीत के बाद मानो साइना के गेम की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी थी। उनकी मेहनत, लगन और काबिलियत को देखकर 2009 में अर्जुन अवार्ड, 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और पद्मश्री, और 2016 में साइना नेहवाल को पद्म भूषण से ऑनर किया गया। आज भी साइना अपने गेम से बहुत सारे यंग माइंड्स को इंस्पायर कर रही हैं और उन्हें बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर वन बनने के लिए एक नया सपना और एक नया जोश दे रही हैं। एनिमेटेड इंडियन की तरफ से साइना नेहवाल को सलाम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप देखना चाहते हैं ऐसे ही वर्ल्ड हीरोज की
मोटिवेशनल स्टोरीज, तो हमारा चैनल एनिमेटेड इंडियन जरूर सब्सक्राइब करें।